बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूँ शहबाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी अफ्तारी के बाद जो होने वाला सर में दर्द है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। जी हाँ व्यूवर, अगर आप जो है अफ्तारी करते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है और इन्फॉर्मेशन हासिल होगी आपको। अगर आप अफ्तारी करती हैं यानी कि आपको जो है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसके जो एक मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टामिक जो मैदा हमारा है वो पूरे दिन का खाली रहता है। जैसे ही आप जो है कोई भी चीज़ यानी कि लेते हैं या पानी पीते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तेज़ी से, तो इससे जो है मैदे में गैस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसका जो इलाज है वो है जी एक कैप्सूल ओमेगा 20 mg कैप्सूल आप लें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, आपका जो सर का दर्द है ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा ओमेगा के साथ जो आपने इस्तेमाल करनी है डिक्लोरान 50 mg टैबलेट, ये दो आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको जो सर का दर्द है अफ्तारी के बाद होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।